ये हमने जबड़े की कटिंग की। यहाँ पे जो हमारा ये जबड़ा है वो 11 इंच है और जबड़े की लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई 7 इंच। यहाँ पे हमने गला 2 इंच लिया है, बाजू 4 इंच और बाजू के नीचे से 3 इंच। यहाँ पे जो ये गला है हमारा 2 इंच का, यहाँ पे हमने 1.5 ब्लॉक बनाया जिसमें से हमने ये कर्व दिया है और हमने ये बाजू के साइड से भी कर्व दिया है। इसको काटने के बाद ये कुछ इस तरीके से बाहर निकलेगा। ये हमारा पीछे का साइड है और ये हमारे आगे का साइड है। तो पहले अब हमें जो ये सेकंड ब्लॉक है यहाँ से काटना है। ये हमने काटा और ये इस तरह से निकल के आएगा, गला बड़ा हो गया। और ये है पीछे का साइड और ये है आगे का। अब हमें जो आगे का साइड है इसको बीच में से काटना होगा। ये हमने बीच में से काट दिया। अब ये हमारी ड्राफ्टिंग है और हम इसे अब इस तरह से कपड़े पर रखेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर हमें आधा इंच छोड़ना है और नीचे भी हमें ये आधा इंच छोड़ना है। ये हमारा इधर से कट गया, अब हम ये बाजू के साइड से काटेंगे। ये हमने ये काट लिया इधर से। ये हमारा पूरा झबला अब कट चुका है और इसमें ये है हमारे आगे का भाग ये, और ये हमारे पीछे का भाग है। और अब ये हमारे जो आगे का भाग है ये और ये, अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, और ये हमारा जो पीछे का भाग है इस पर हम पाइपिंग लगाने से पहले यहाँ पे जो इसकी ये बाजू है हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, दोनों को जॉइंट करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने मशीन में ये लगा लिया है और अब हम इसे चलाना शुरू करते हैं।
अब हम इसको दोबारा इसमें गांठ देने के लिए पीछे से फिर आगे सिलाई करेंगे। अब ये हमारी दूसरी साइड का है, अब हम इसको जॉइंट करेंगे। हमें जॉइंट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो कपड़े से कम आधा इंच छोड़ कर करनी है। यहाँ पर ये हमने इसकी जो स्लीव्स की साइड है, कंधे की साइड, यहाँ से हमने जॉइंट कर लिया। अब हम इसे ये सीधा करेंगे। ये हमने इसे सीधा कर लिया, अब वो कुछ इस तरीके से होगा। और अब हम यहाँ तक पूरा हम ये पाइपिंग लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारी पाइपिंग है और ये हमारी झोले का आगे का हिस्सा। हम इसको जो पाइपिंग है इसको ऊपर के साइड से रखेंगे और फिर हम अब यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। अब हम अपनी मशीन चलाना शुरू करते हैं। हम इसमें थोड़ा गांठ देंगे मशीन को पीछे ले जाकर, फिर इसको आगे की ओर चलाएंगे जिससे कि अच्छे से गांठ लग जाए, वो खुले नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने मशीन चला दी है। अब हम इसको उल्टा करेंगे। ये देखिए हमारा झबला बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा दी है इस पूरे में और फिर यहाँ पे हमने ये सिलाई भी कर दी है। तो अब हमें यहाँ इसमें हुक लगाना है। यहाँ पर ये देखिए हमने ये हुक लगा लिया है, इसका काज भी, और ये अब हमारा झबला बन के तैयार हो गया है।